चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी तहसील में सोमवार दिनांक 29 जून को 8 कोरोना संक्रमित रुग्णों के संबंध में जानकारी आई है और इन 8 संक्रमित रुग्णों से चंद्रपुर जिले में अब कोरोना पॉजिटिव संक्रमित रुग्णों की संख्या बढ़कर 95 हो चुकी है। जिला आरोग्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ब्रह्मपुरी शहर के पटेल नगर परिसर के इसके पहले कोरोना संक्रमित रहने वाले परिवार के 30 वर्षीय महिला तथा 4 वर्षीय बेटे का समावेश है। ब्रह्मपुरी शहर के गुजरी वार्ड के इसके पहले कोरोना संक्रमित के संपर्क के 50 वर्षीय महिला की भी रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है। ब्रह्मपुरी शहर में नागपुर से वापस आने वाले 25 वर्षीय संस्थात्मक क्वारंटाइन में रही महिला का 26 जून को स्वैब लिया गया था जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और वहीं गांगलवाड़ी के संपर्क में तैयार हुए 4 पॉजिटिव रुग्णों के संबंध में जानकारी दर्ज हुई है और जिसमें इसके पहले पॉजिटिव रहे संक्रमित के 30 वर्षीय बेटे का भी समावेश है। गांगलवाड़ी के आरोग्य सेतु ऐप के मार्फत मिली जानकारी के अनुसार एक 70 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक का स्वैब लिया गया था और 28 जून को इस वरिष्ठ की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गांगलवाड़ी के संपर्क में रहे लोगों की बड़े पैमाने पर जांच की जा रही है जिसमें इसके पहले पॉजिटिव रहे संक्रमित रुग्ण के 55 वर्षीय भाई की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संपर्क के रहने वाले नागरिकों को अपने परिवार की चिंता रखना अब कितना जरूरी है इस उदाहरण से सामने आ रहा है। गौरतलब है गांगलवाड़ी की 3 वर्षीय एक बेटी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और यह लड़की अपने दादा के संपर्क में आई हुई थी और इस प्रकार अब चंद्रपुर जिले में कोरोना संक्रमित रुग्णों की संख्या बढ़कर 95 हो चुकी है और जिसमें से अभी तक 53 रुग्ण कोरोना मुक्त हो चुके हैं तथा उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वर्तमान में एक्टिव कोरोना पॉजिटिव रुग्णों की संख्या अब बढ़कर 42 हो चुकी है जो नागरिकों के साथ अब जिला प्रशासन के लिए भी एक चिंता की बात है। मगर इस खबर के अंत में हम यही कहेंगे कि नागरिक घबराए नहीं, जिला प्रशासन के नियम को पालन करें, सोशल डिस्टेंस अपनाएं, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, घरों से बाहर निकलते समय मास्क पहनकर अवश्य निकलें। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई भी तकलीफ हो तो संबंधित विभाग को अवश्य इसकी जानकारी दें, यही समय की मांग है।